नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हमारी खास मेहमान है मंजरी चतुर्वेदी जी। मंजरी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। उनकी एक अपनी शख्सियत है, ख़ास तौर से सूफी नृत्य और सूफी संगीत पर जो उनका काम रहा है, जो उनके परफॉर्मेंसेज रहे हैं, उसको यूट्यूब के जरिए और लाइव परफॉर्मेंसेज के जरिए पूरी दुनिया में लोग देखते रहे हैं और उनके प्रशंसक रहे हैं। मंजरी जी का मैंने भी कई शोज देखे हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में। तो आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए जो सूफी संगीत है, सूफी नृत्य है, या सूफीजम या सूफीवाद कितना रेलिवेंट है आज के इस मौजूदा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक या हम कहें कि वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र। मंजरी जी, सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में सूफीजम कितना रेलिवेंट लगता है आपकी नज़र में? देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आज के दौर में, इस मौजूदा दौर में, जब हम बिल्कुल आपस में सिर्फ बंटवारे की बात करते हैं, चाहे वो हमारा थॉट प्रोसेस का हो या पॉलिटिकल बंटवारा हो, जो भी हो, हम इसी पर तवज्जो देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम उसको, अपने आप को इंसानियत से जोड़ने की भी कोशिश करें। और इसमें सूफीज़म और सूफीवाद या सूफीज़ की जो विचारधारा है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर मैं एक शब्द में ये कहूँ कि सूफीज़म क्या कहता है, तो सूफीज़म सिर्फ एक बात कहता है, इश्क, मोहब्बत। इसके अलावा और कोई बात सूफी संतों ने नहीं कही है। वो मोहब्बत जो है, वो इश्क जो है, वो उस परमात्मा से है और उसके बनाए हर एक उस बंदे से है। अब ये अगर हम बात आज के दौर में समझ लें, तो ये जितनी लड़ाई हो रही है, जितने सब आपस में बट रहे हैं, हम खुद अपने आप सोचेंगे कि ये सब बिल्कुल निरर्थक है और सिर्फ आपस में एक प्रेम और सद्भावना की एक जो भावना थी वो ज़रूरी है बस। सूफीवाद का आधार है एक शब्द सैफ, जिसका अर्थ है शुद्धता। इस्लाम में सूफीवाद को एक आंदोलन का दर्जा हासिल है, जो मध्य एशिया और पर्शिया से शुरू हुआ, जिसने कई सिलसिलों के जरिए भारत में अपने रास्ते बनाए, जिसमें चिश्तिया, नक्शबंदिया और कदरिया प्रमुख रहे। इन सिलसिलों के संस्थापकों की जड़ें मध्य एशिया से जुड़ी थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम के रहस्यवाद के विचारों को भारत के सोशल इकोनॉमिक धागे में बुनकर पेश किया। सूफीवाद की असली पहचान है कॉस्मिक इमोशन। अभी हालिया दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस, उसमें भी तमाम विचारक आए थे, तमाम तरह के बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय रखी थी। आपको नहीं लगता है कि जितने एज में इस समय दुनिया में और ख़ास तौर से भारत में देखने को मिलते हैं और उनके तमाम समर्थक हैं, अलग अलग विचारधारा और धर्म और संप्रदाय के लोगों को, उनको अगर कोई सबसे ज़्यादा हीलिंग टच दे सकता है या उस पर बाम लगा सकता है इस जख्मी इंसानियत और मानवता को, तो सूफी बात दे सकता है? जी ज़रूर। देखिए, एक बहुत जो हमारे इस सबकॉन्टिनेंट में, जो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान आज कहते हैं, पर यहाँ पर जो सूफीज़म की बात हुई है, वो बड़ी एक अपने आप में बड़ी यूनिक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सूफी संत रहे हैं, अगर मैं पिछले 20 सालों से उस पर रिसर्च कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, उन्होंने इतनी खूबसूरती से हमारे यहाँ के सारे धर्म के अलग अलग चीज़ों को ऐसे ऐसे पिरो दिया है आपस में, कि अगर आप आज किसी दरगाह पर जाएं, तो आपको जितने मुसलमान मिलेंगे उतने उससे बल्कि ज्यादा ही अलग धर्म के लोग भी मिलेंगे। हाँ, हिंदू ज्यादा जाते हैं दरगाहों पर। सूफी संतों की खासियत थी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और वो जो एक निस्बत है, जिसको कहते हैं कनेक्शन, वो इन सूफी संतों ने इश्क मोहब्बत के जरिए कायम करा।
और बड़ी देखिए इस दौर में जब मैं इस पर रिसर्च करती थी बड़ी खूबसूरत चीज़ें पता चली, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो काकोरी में एक दरगाह है और वहाँ पर जो सूफ़ी संत हुए हैं और वहाँ जो पोएट हुए हैं शाह तुराब अली कलंदर साहब, उन्होंने देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा दीवान जो एक कहते हैं कलेक्शन ऑफ पोएट्री वो कृष्ण पर लिखा। अब देखिए एक दरगाह है जहाँ पर कि पूरा का पूरा कृष्ण का सिलसिला गाया जाता है, वहाँ के सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये जो हम आपसी सद्भावना की बात करते हैं वो ये दरगाहें दर्शाती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दौर में हम लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो पोइट्री हुई, म्यूज़िक हुआ या नृत्य हुआ, ये जो तीन चीज़ें हैं ये अपने आप में एक इबादत का रंग हैं, ये प्रेयर हैं, और ये सबसे आसानी से लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का ज़रिया भी हैं। तो अगर हम म्यूज़िक डांस के ज़रिए लोगों तक एक सॉफ्ट अप्रोच से कोई बात को पहुँचाते हैं तो वो उनके जहन में ज़्यादा दिन तक रहते हैं, बजाय इसके कि हम उनको खड़े होकर एक लेक्चर दें कि सूफीज़म बहुत अच्छा है। तो ये एक जो अप्रोच है वो आज के दौर में ज़रूरी है। मंजरी जी, हम बात कर रहे थे आपसे कि आपको लगता है कि लखनऊ के नवाबों पर सूफीवाद का काफ़ी गहरा असर रहा, कि जिस तरह से लखनऊ के तमाम नवाब सूफी संगीत, सूफी नृत्य को अपने जीवन में आत्मसात किए थे, तो शायद उसी का नतीजा था कि जिस दरगाह की बात अभी आप कर रही थीं उसमें इस तरह की रचनाएं देखने को मिल रही हैं। जी, अवध अवध की सरजमी ऐसी थी जहाँ पर कि एक तरह से एक बहुत ही सिंक्रेटिक कल्चर का एक पूरा प्रारूप वो गंगा जमुनी तहजीब में नज़र आता है, और वो उस जगह की खूबसूरती थी। तो नवाब जिनको हम कहेंगे कि वो नवाब साहब थे, पर उन लोगों के जो एक आपसी ट्रेडिशन उन्होंने बना के रखी वो उनकी बड़ी खूबसूरती की एक बात थी। और सिर्फ महज काकोरी में नहीं, अगर आप देवा शरीफ जाएं या आप सफ़ीपुर का सिलसिले में जाएं, ये बहुत सारे ऐसे सिलसिले उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ पर कि बहुत खूबसूरती से गंगा जमुनी तहजीब का एक तरह से मिलन हुआ है, और दरगाहों के ज़रिए वहाँ के कलामों के ज़रिए वहाँ के जो कव्वाल गायकी गाते हैं उसके ज़रिए उन लोगों ने ये बात बहुत आगे तक आम लोगों तक पहुँचाई है। इसमें जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, हम आपसे पॉलिटिकल कोई नहीं चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए, हम आपका सुझाव चाहते हैं कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है जो छोटी से छोटी बातों पर उसको तिल से ताड़ बनाते रहते हैं, कभी जाति आधार पर, कभी सांप्रदायिकता के आधार पर, कभी इज्म के आधार पर, आप किस तरह का सुझाव देना चाहती हैं इस तरह के लोगों से कि वे इंसानियत के लिए, पायामे इंसानियत के लिए उनको किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का गवर्नेंस में इस तरह की चीज़ों को समावेश करना चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है इस तरह के लोगों से? देखिए, हम किसी भी धर्म की बात करें तो उस हर धर्म में बात इश्क, मोहब्बत या अगर आप कहें तो वसुधैव कुटुंबकम, हर जगह बात वही कही गई है कि हम सब एक हैं। अब आती है बात कि जब हम उसको अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में किस तरह लाते हैं, तो जितना हम आपस में एक दूसरे को हम बांटेंगे, जितने हम लकीरें बनाएंगे अपने बीच में, उतना ही हम दायरे छोटे करते जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के। और जब हम दायरे छोटे करते जा रहे हैं तो हमारी सोच छोटी होती जा रही है। ये सोच हमारे हिंदुस्तान की सोच नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर देश के, विदेश के लोग इतनी खूबसूरती से समा के उसी के साथ रहते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी भी बनाते हैं और हिंदुस्तानी भी हो जाते हैं। ये खूबसूरती हमारे देश की है और इसको हमें बहुत जिम्मेदारी से, बहुत समझदारी से हमें इसे बना के रखना है। फिर मैं कहूँगी कि देखिए, संगीत नृत्य एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को छूती है। जिस वक्त आप एक घंटा, डेढ़ घंटा संगीत सुन रहे होते हैं या आप नृत्य देख रहे होते हैं, उस वक्त आप उस
म्यूज़िक से उससे एकाकार हुए होते हैं, और आपके जो कहना चाहिए जो आत्मसात करने की शक्ति है वो समय सबसे ज़्यादा होती है। तो कुछ हमें ऐसे मैसेजेस जो हैं जो हम इश्क मोहब्बत के लोगों के भाईचारे के सद्भावना के मैसेजेस जो हम कह रहे हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नृत्य संगीत के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने चाहिए। क्यों सूफ़ी संतों ने ये करा कि सब दरगाहों पर कवाली होने लगी, आम भाषा में होती थी, अगर वो कहेंगे एरी सखी मोरे पिया घर आए तो एक जानकार आदमी भी समझेगा और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी समझेगा। तो बात उन्होंने बड़ी आसानी से कही। अगर वही चीज़ आज हम आत्मसात करें और लोगों तक आसान शब्दों में संगीत के ज़रिए नृत्य के ज़रिए लोगों तक ये छोटे छोटे मैसेजेस दें तो हम कहीं ना कहीं एक तरह से उनमें एक मोहब्बत आपसी भाईचारे का एक प्रकाश जला सकते हैं।